नमस्कार, मैं हूं नीलू। लेबनान में बीते दो दिनों में दो बड़ी खबरें आई। मंगलवार को पेजर में धमाका हुआ तो बुधवार को वॉकी टॉकी, रेडियो, तमाम जगह पर धमाके देखने को मिले और इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। अब इन धमाकों के बाद जबरदस्त तरीके से सनसनी फैली हुई है, लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान आ गया है पुतिन का। जी हाँ, पुतिन ने जिस तरह के धमाके हुए हैं उसको लेकर बहुत सारी आशंकाएं जताई हैं और अपने तरफ से कुछ बयान भी दिया है, और ये बयान काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है और सुनने वाला है क्या कुछ कहा है पुतिन। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, जिस तरह के पीछे धमाके हुए इसको लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है और चर्चा के साथ साथ चिंता भी इस बात की कि जिस तरह से पेजर में धमाके हुए, रेडियो, वॉकी टॉकी या दूर संचार में जिस तरह के धमाके पिछले दिनों देखने को मिले, अब इसको लेकर पुतिन का एक बड़ा बयान आ गया है और पुतिन के बयान को सुनकर चिंता जरूर होती है। क्या है वो बयान, जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए। देखिए नीलू, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ये जो अटैक हुआ है, इस अटैक ने इसराइल, लेबनान और ईरान के बीच जो एक प्रकार का जो वॉर चल रहा है इसकी पूरी सूरत बदल के रख दी है। और इसी बीच जो है इस पूरे मामले को लेकर जो पुतिन का बयान आया है वो बहुत ही गंभीर बयान है। उन्होंने कहा है कि पूरा पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। जो हमले हुए हैं लेबनान में, इससे तनाव और बढ़ेगा, हालात बेकाबू हो सकते हैं और एक नया युद्ध शुरू हो सकता है। देखिए, यहाँ पे पुतिन ये इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में जो स्थिति गाज़ा को लेकर दिखाई दे रही है, ऐसा ही एक बड़ा वॉर इस मिडिल ईस्ट में अब आगे छिड़ सकता है और पूरा वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में एक बहुत बड़ा महायुद्ध हो सकता है। ये पुतिन की तरफ से जो है एक प्रकार की आशंका जताई गई है। देखिए, दो दिन में जिस तरह से ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉर का रूप ले लिया है इस अटैक्स ने, और कल जो हुआ, दूसरे दिन लगातार जो दूसरे अटैक हुए उसके बाद जो है वो हालात एकदम हाथ के बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं लेबनान में। और देखिए, जो एक कोशिश की जा रही थी अमेरिका की तरफ से कि किसी तरह से जो है लेबनान के साथ जो वॉर है वो बड़ा स्केल पे ना जाए, अब तो मैं ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर पुतिन अगर इस बात को कह रहे हैं कि ईरान भी तैयार बैठा हुआ है लेबनान में जिस तरह के हमले हुए हैं, अब जो पूरा इलाका है, चाहे वो गाजा का इलाका हो, लेबनान हो, या फिर ईरान की तरफ से या इसराइल हो, यहाँ पर युद्ध की स्थिति बनती तो तनातनी की स्थिति तो बनती है। तो पुतिन का ये जो पूरा एक तरह से कह लिए जो बयान है वो, क्योंकि वो खुद एक युद्ध झेल रहे हैं, अपने देश में भी एक बड़ा युद्ध झेल रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि अगर इस तरह के हमले होते हैं तो फिर स्थिति और यहाँ से बिगड़ जाएगी। रूस के प्रवक्ता है दिमित्री पेस्कोव, अगर आप इनका भी बयान देखें, ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो तनाव को और बढ़ा सकता है, पूरा इलाका विस्फोटक स्थिति में है, ऐसी भी कोई भी घटना हालात को बेकाबू कर सकती है, हालात बेकाबू होने की वजह बन सकती है। तो देखिए, इस घटना के बाद लेबनान में, हिजबुल्ला में जबरदस्त गुस्सा है लेबनान के लोगों में, क्योंकि ये जो अटैक्स हुए हैं, जो ये धमाके हुए, चाहे पेजर में हो, चाहे लैपटॉप्स में हो, चाहे वॉकी टॉकी में हो, रेडियो में हो, कारों में ब्लास्ट हुए हैं, तो देखिए इससे आम लोगों पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। जो लोग मारे गए हैं इसमें, इसराइल की तरफ से कहा गया है कि टारगेट जो है वो हिज्ब के जो कमांडर्स थे उनको टारगेट किया गया, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें बड़ी संख्या में लेबनान की आम जनता भी, ने तो अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि अगर हम देखें हिजबुल्ला के बड़े नेताओं ने यही कहा गया कि देखिए यहां से हम बदला जरूर लेंगे, हिजबुल्ला के जितने लड़ाके थे, और कल बहुत जगह पर जहां पर सुपुर्दे खाक किया जा रहा था बॉडीज को, वहां पर भी कल धमाके देखने को मिले हैं। ऐसे में स्थिति और टेंशन भरी हो सकती है। देखिए, जो सोशल मीडिया पे चर्चा है या जो खुफिया सूत्रों से बातें निकल के सामने आ रही हैं, जो अलग अलग जगह पर जिनकी चर्चा हो रही है, वो ये कहा जा रहा है कि जो हिजबुल्ला है इसकी एक राडवान फोर्स है। ये राडवान फोर्स के जो कमांडर्स हैं, जो देखिए जो पिछला धमाका हुआ जो कि वॉकी टॉकीज फट गए, इसमें बहुत सारी संख्या में जो घायल हुए हैं कमांडर्स, वो ये राडवान फोर्स के कमांडर्स हैं हिजबुल्ला के। देखिए, ये वो फोर्स है, ये हिजबुल्ला की फोर्स है, ये हिजबुल्ला की फोर्स है राडवान फोर्स, जो कि इसराइल के खिलाफ काम करती है। इसके कमांडर जो इसराइल पे हमले होते हैं, खासकर उत्तरी इसराइल में जो हमले होते हैं, उसमें बताया जाता है कि इस राडवान फोर्स की एक बड़ी अहम भूमिका है। तो ये कहा गया, बताया जा रहा है ऐसा कि ये जो वॉकी टॉकीज में धमाके हुए हैं, इन वॉकी टॉकी का इस्तेमाल ये राडवान फोर्स के कमांडर्स कर रहे थे, और इस ब्लास्ट के जरिए रडवान फोर्स को जो है टारगेट करने की कोशिश की गई। तो ये एक बड़ी बात निकल के सामने आई है। देखिए, अब भले इसराइल इस बारे में खुल के कुछ ना कह रहा हो, लेकिन एक
जिस तरह की सोशल मीडिया पे चर्चा है वो ये माना जा रहा है कि ये हमला जो है इसराइल की तरफ से हुआ है। और यहाँ पे एक और बात की चर्चा जो बहुत ज़्यादा हो रही है वो है इसराइल की खुफिया साइबर जो उसकी यूनिट है वो कहती है, कहलाई जाती है यूनिट 8200। ये कहा जा रहा है, जैसे पहले हिजबुल्ला की तरफ से कहा गया कि इस हमले के पीछे मोसाद है, लेकिन अब ये बात निकल के सामने आ रही है कि इस हमले के पीछे इसराइल की जो यूनिट है, यूनिट 8200 इसको कहा जाता है, ये एक साइबर एक्सपर्ट्स की यूनिट है, उसने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। मतलब इसकी प्लानिंग और इसका एग्जीक्यूशन उसी के द्वारा किया गया। इस वक्त चिंता का विषय ये भी है मयंक कि जिस तरह के धमाके हुए हैं, मतलब आप एक्सप्लोसिव लगाते हो, आपके जो भी पेजर हैं या फिर वॉकी टॉकी, इसमें धमाके हो रहे हैं। अब ये भी चर्चा का विषय है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक वॉर शुरू हो गया है, ये आगे आने वाले दिनों में बाकी देशों के लिए या पूरे कहते हैं विश्व के लिए बहुत खतरा है, इस पर भी एक बड़ा मंथन चिंतन शुरू हो गया है। चाहे उसे चाहे इसराइल ही क्यों ना अंजाम दिया हो, लेकिन यहाँ से उसने एक रास्ता खोल दिया है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये एक इसने इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि इस अटैक ने जो है ये पूरे इस युद्ध की आने वाले दिनों में जो भी युद्ध होंगे उनका पूरा स्वरूप बदल के रख दिया है। देखिए साइबर, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉर है, ये एक साइबर वॉरफेयर शुरू हो गया है। और अब देखिए आने वाले समय में जो आतंकी संगठन हैं, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं भी काम कर रहे हों, वो इसका बहुत ही खतरनाक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल करना अपने आप में अब एक बड़ा चैलेंज है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो हम यूनिट 8200 की बात कर रहे हैं, ऐसा बताया जाता है कि भाई इसका इस अटैक में हाथ है। एक बात तो यह है कि ये मोसाद के साथ मिलकर काम करता है, और दूसरी चीज़ यह है कि इसकी रिपोर्टिंग सीधा इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को होती है। ये एक बड़ी गौर करने वाली बात है कि 8200 जो यूनिट है ये सीधा प्राइम मिनिस्टर को इसराइल के जो है उसको रिपोर्ट करती है। तो इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ आम जनता पास नहीं आ पाती है, या समाचारों में ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं होती है। बहुत खुफिया तरीके से ये ऑपरेशंस को अंजाम देती है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है कि अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा होगी, लेबनान में जो अटैक हुए हैं। और दूसरी बात है कि जो इस्लामिक देश हैं वो इसको लेके एकजुट हो गए हैं, और वो इसे एक प्रकार का आतंकी हमला बता रहे हैं। उनका कहना, इस्लामिक कंट्रीज का कहना है कि खासतौर पर हिजबुल्ला के बड़े नेताओं को हमने सुना, उन्होंने तो कह दिया कि एक तरह से हत्या, इसराइल की तरफ से हत्या की गई है। जिस तरह से निशाना आम लोगों को बनाया गया है, बच्चे इसमें घायल हुए हैं, लोग वहां के आम जनता वहां पर घायल हुए, एक तरह से हत्या कह दिया गया है हिजबुल्ला के। अब देखिए इसमें, हाँ बिल्कुल, अब इसमें तो ये बात निकल के भी सामने आ रही है कि क्या ये कहा जा सकता है कि इसमें निशाने पर हिजबुल्ला के चीफ नसरल्ला और हमास के चीफ सिनवर भी थे। ये भी एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे एक बड़ा प्लानिंग ये भी थी कि नसरल्ला को टारगेट करना है या सिनवर को टारगेट किया जाए, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के ये पूरा जो अटैक है इसने पूरे इलाके को एक बार फिर से एक नई बड़ी जंग के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है। अब देखिए इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर इसमें चर्चा होगी, लेकिन नीलू एक बात और है, इस पूरे जिस तरह से ये हमले किए गए, इस हमले के बाद इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है या पूरी दुनिया में जिस तरह से रिएक्शन है, तो ये उसको इस तरह से ले रहे हैं कि एक प्रकार का आतंकी हमला था, इसको एक आतंकी हमला करार देने की कोशिश है। ऐसे में अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में ईरान और हिजबुल्ला का क्या रुख होता है इसराइल को लेकर। देखिए दो बातें, एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको लेकर चर्चा होने वाली है, तो यहाँ पे अगर हिजबुल्ला की तरफ से, लेबनान की तरफ से या ईरान की तरफ से थोड़ा सा शांति बरती जाए और इसको एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश की जाए, तो हो सकता है कि उसको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल सकता है। बहुत सारे मुद्दे यूएन तक पहुंचते हैं लेकिन उसका कोई अंजाम नहीं होता है, तो क्या इसको लेके चाहे वो हिजबुल्ला हो या हमास हो, क्या विश्वास जता सकता है यूएन? देखिए यही शायद वजह है कि अभी आप देखिए कि एकदम से हिजबुल्ला की तरफ से कोई पलटवार नहीं हुआ है। हमने पहले देखा, पीछे देखा कि जब भी इसराइल की तरफ से कोई हमला होता है, जब भी एयर स्ट्राइक हुई लेबनान में, उसके अगले दिन हमने देखा कि जो है वो रॉकेट्स की बरसात कर दी हिजबुल्ला ने, लेकिन इस बार जो है वो ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा है फिलहाल। तो इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इस पूरे मामले में एक इंटरनेशनल जो प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, तो वो इस उसको लेकर, चाहे हो सकता है लेबनान और ईरान की ये प्लानिंग हो, तो हो सकता है मयंक इसको जिस तरह से कह रहा है हिजबुल्ला भी कह रहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि आखिर कहां चीजों को सबोटाज किया गया या कहां पर कुछ ऐसा किया गया जिससे विस्फोट हुआ, या फिर हो सकता है कोई बड़ी तैयारी कर रहा हो, क्योंकि लगातार हिजबुल्ला के बड़े नेताओं ने तो कह दिया है कि वो इसके परिणाम इसराइल को भुगतने होंगे।
देखिए अब देखिए ये बात तो साफ है कि लेबनान में इसको लेके ज़बरदस्त गुस्सा है और वहाँ की जो आम जनता है वो ये यहाँ तक कह रहे हैं कि अब तो एकदम आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। अब अमेरिका की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है लेबनान से भी और ईरान से भी कि इस पूरे मामले में आपको थोड़ा सा धैर्य बरतने की ज़रूरत है, शांति के साथ आगे बढ़ना है ताकि एक जो नया तनाव बन गया है वो किसी युद्ध की तरफ ना जाए। अमेरिका का बड़ा कंसर्न, अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि ये किसी युद्ध की तरफ हालात ना बन जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो नेतन्याहू है या इज़राइल है वो लगातार इसको लेकर बड़ा एग्रेसिव है और हिजबुल्ला पर उनके लगातार हमले जारी हैं। ऐसे में देखिए अब आने वाले दो दिन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रुख होता है इस पूरे मामले को लेकर, उसके बाद शायद ये तय होगा कि क्या ये पूरा मामला यहाँ से किसी बड़े महायुद्ध की तरफ आगे बढ़ता है जैसा कि पुतिन अंदेशा जता रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ से ये पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ा युद्ध की शुरुआत है। फिर तो बिल्कुल इस पूरे इलाके के लिए ही नहीं बल्कि अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो सिर्फ उस इलाके के लिए नहीं बल्कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबली देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है अमेरिका जो मध्यस्थता कर रहा था शांति को लेकर, जब उसे ही नहीं पता किस तरह के धमाके कैसे हो गए, उनकी जानकारी में नहीं था, तो ऐसे में अगर लेबनान या हिजबुल्ला की तरफ से किसी तरह का हमला इसराइल पर होता है तो फिर कहा जा सकता है कि वो भी ये मान के बैठे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, हमले का जवाब हमले से ही देना होगा। लगातार माहौल गर्म है और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ।